नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वैदिक दृष्टि पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा अद्भुत होने वाला है। इस ग्रहण के दौरान तीन ऐसे खास संयोग बनने वाले हैं जो कि लगभग 175 सालों के पश्चात बन रहे हैं। तो आखिर कौन से ऐसे व खास संयोग है और ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ग्रहण कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, इसके साथ ही हम लोग ग्रहण का सही समय और सूतक काल क्या होगा, इन सभी के विषय विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच धरती आ जाती है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति प्रायः पूर्णिमा के दिन ही पड़ती है। तीनों एक ही रेखा में होने की वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि धरती के द्वारा चंद्र को ढक लिया जाता है। वहीं पर शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण को बहुत ही अशुभ बताया गया है। माना जाता है इस समय चंद्र कमजोर पड़ जाता है और इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय में सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। ऐसे में दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि पर 28 अक्टूबर 2023 दिन को लगेगा। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जहां एक तरफ 14 अक्टूबर को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था, वहीं पर ठीक इसके 14 दिनों के पश्चात 28 अक्टूबर को साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है, यदि एक ही माह में 15 दिनों के अंदर दो ग्रहण लगे तो यह बेहद ही अशुभ संयोग माना जाता है। ऐसे में आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण लगा है तो वहीं पर के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पर साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में यह दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह संयोग कई वर्षों में केवल एक ही बार होता है। इस ग्रहण में एक और बहुत ही ज्यादा भयानक खतरनाक संयोग है। दोस्तों, आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को दिन शनिवार था और 28 अक्टूबर को भी दिन शनिवार है, यानी कि दोनों ही ग्रहण दिन शनि को पड़ने वाले हैं। माना जाता है शनिवार को पड़ने वाला ग्रहण बेहद दुर्लभ होता है। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण के सही समय और सूतक काल के बारे में। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ग्रहण के सूतक काल के दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य की मनाही होती है। इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट कर दिए जाते हैं। यदि आपको ग्रहण लगने का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। हम लोग इस विषय पर भी बात करेंगे कि ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना है। दोस्तों, ये ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, एटलांटिक और आर्टिक में दिखाई देगा। ये ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, तो ऐसे में हमें ग्रहण से जुड़े हुए पालन अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे वह नियम हैं जो कि हमें ग्रहण के दौरान मानना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार हैं, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से देखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नेगेटिव किरणें निकलती हैं। यह किरणें आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी ना लगाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में
तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण के सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात तुलसी की पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है चंद्र ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नेगेटिव शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियों का वास होता। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया पैसा सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। यह यदि आप अपने आते हैं तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें अपने बाल और नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद अशुभ बताया गया है। चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश ना करें और ना ही हमें मंदिरों में प्रवेश करना चाहिए। इस दौरान निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी धारदार अथवा नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची या फिर सुई जैसे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान कपड़ा काटने या सिलने के लिए सुई और कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान फलों को काटने के लिए या फिर सब्जियों को काटने के लिए चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह सब कुछ ऐसे नियम है जो कि हमें ग्रहण के समय मानना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के पश्चात हमें पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने घरों में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यदि दिन का समय है तो भगवान चंद्र को स्नान करने के पश्चात जल अर्पित करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह ग्रहण शनिवार को लग रहा है, तो ऐसे में इस ग्रहण में दान का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रहण के पश्चात आपको काली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि काला कंबल, काला जूता या फिर कोई भी काला वस्त्र आप दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात 11:33 से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण लगभग 5 घंटे तक चलेगा। ग्रहण की समाप्ति रात 3:50 पर होगी। तो यह थी आज की खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।